मेरी गाड़ी के सामने आएगा उसे मैं उड़ा के चला जाऊंगा। पुलिस के पास इंसाफ मांगने गए, उन्हें गाड़ी का नंबर बताया, पर बदले में हमें क्या मिला? उस दिन हमें पता चला कि कानून तो अमीर लोगों के बिस्तर पे सोता है, जिसे इंसाफ नहीं मिलता उसे इंतकाम लेना पड़ता है, और हमने तय किया कि हम इंतकाम लेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ इरादा था, दौलत नहीं। फिर हमें पता चला कि वो शराबी कोई और नहीं, राजा था। रानी के प्यार में गिरफ्तार, अपने एक ख्वाबों में खोया हुआ राजा। हमारे प्यार को सड़क पर कुचल कर, उसे बेदर्दी से दफन कर खुद अपना घर बसा रहा था। उस दिन हमने तय कर लिया कि हम इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, उसकी सांसें छीनने से पहले हम उसकी खुशी, सारी उम्मीद छीन लेंगे। हवा से हुआ होगा। हमारा राजा कभी किसी की जान नहीं ले सकता, जरूर कोई और बात है। हमें जाकर राजा से बात करके सच्चाई पता करनी होगी। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। और नहीं भाई, भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। भाई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हो सत्य, तेरी शादी में इच्छा से